तीसरी चीज़ जिस पे हम अनुसंधान कर रहे हैं वो है कि ऑप्टिमम ट्रेनिंग सिस्टम, ट्रेनिंग और प्रूनिंग हाई डेंसिटी में एप्पल प्लांट्स की किस तरह की हो ताकि फलों की गुणवत्ता को हम मेंटेन रख पाएँ। तो इस कड़ी में हमने यहाँ पर तीन तरह के ट्रेनिंग सिस्टम्स स्टडी कर रहे हैं, जिसमें एक है वर्टिकल एक्सिस, ये आप देख सकते हैं, एक है टॉल स्पिंडल और तीसरा है स्लेंडर स्पिंडल। तो बात शुरुआत करते हैं वर्टिकल एक्सिस के साथ ही, वर्टिकल एक्सिस के साथ शुरुआत करते हैं। इसकी इनिशिएशन जब हम प्लांट लगाते हैं उसके बाद इनिशियल ट्रेनिंग क्या होती है वो थोड़ा सा मैं अलग से कवर करूंगा, पर जैसे पौधा अभी बना हुआ है मेन इसमें क्या है कि ब्रांचेस आपकी जो भी है 45 सेंटीमीटर तक ग्राउंड लेवल से आप कोई भी ब्रांच नहीं आने देते हो। उसके बाद आप ऑल अलॉन्ग चारों डायरेक्शन में ब्रांचेस सेलेक्ट करते हो इक्वल स्पेसिंग में, लेकिन आपकी जो ब्रांचेस ये आती हैं ये हॉरिजॉन्टल होती है ग्राउंड के, समांतर चलती हैं। और इनको समांतर करने के लिए हमें क्या करना होता है, तीन तरह के कंपोनेंट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं प्लांट लगाने के बाद। एक तो नोचिंग, राइट जगह पे हमारे पास ब्रांच आए, फिर उसका एंगल अच्छा हो, उसके लिए हम क्लॉथ पिंस का यूज़ करते हैं इनिशियल जब ब्रांचेज छोटी होती है, जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उनको हम जो है ना टाई अप कर देते हैं किसी धागे या रस्सी के साथ ताकि वो ज़मीन के समांतर बनी रहें खूंटियाँ लगा करके। उसके बाद इस तरह की अपराइट जो ब्रांचेज आती हैं ये ब्रांचेज हमको नहीं चाहिए होती, लेकिन इनको स्तर बनाने के लिए फिर हम इनकी पिंचिंग करते हैं जब ये 8-10 सेंटीमीटर की ब्रांचेज होती है। अपराइट ब्रांचेज हमेशा हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा निकलती है, तो ये सिस्टम अच्छा है अदरवाइज, लेकिन इसमें ग्रोथ भी कंपैरेटिवली चलती रहती है, अपराइट ब्रांचेज आती है। इसका कंपैरिजन अगर हम टॉल स्पिंडल से करें तो आप देखेंगे सिस्टम लगभग वही है, लेकिन यहाँ क्या है जो ब्रांचेज हैं उसको हम भूमि के समांतर से ज़्यादा नीचे तक झुकाते हैं, जब झुकाने की बात आती है उनको बांधने की बात आती है तो ज़्यादा नीचे तक। उससे क्या होता है कि ग्रोथ ब्रांचेस की और ज़्यादा चेक हो जाती है और स्पर फॉर्मेशन वो ज़्यादा होती है, और लाइट इंटरसेप्शन जो है पौधे के अंदरूनी भाग तक जो लाइट का पहुंचना वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से होता है, इसलिए इसमें गुणवत्ता फलों की और ज़्यादा बढ़िया बन पाती है। बाकी तरीके यहाँ भी वही लगते हैं, पिंचिंग की बात हो, नोचिंग की बात हो, बेंडिंग की बात हो, टाई डाउन करके, वो सब वही रहती है। इससे थोड़ा सा भिन्न है, वैसे हमारे किसान भाई जो भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन में जाना चाहते हैं उन दोनों के लिए, उनकी लोगों के लिए ये दोनों ही सिस्टम बड़े अच्छे हैं, पर टॉल स्पिंडल पे जाएं इसके हमारे पास ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जो तीसरा हम कर रहे हैं स्लेंडर स्पिंडल, वो थोड़ा सा डेवलप करने में डिफिकल्ट है, इनिशिएशन तो उसकी भी इसी तरह से होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक चीज़ जो हम अलग से कवर करते हैं वो है इनिशियल बेसिक सिस्टम डेवलप करने के बाद जब हमारा हो जाता है तो एक साल के बाद आप जहाँ पर आपकी अपराइट जो ब्रांच है, तो जैसे आप ये देख रहे हैं, तो आप लीडर को बेंड कर देते हैं, लीडर बेंड जब करते हैं तो अपराइट ब्रांचेज ऐसे आती है, फिर जिस डायरेक्शन में आपने लीडर बेंड किया था फर्स्ट ईयर में, साल के एंड में उसके अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, तो इस तरह से हर बेंड पे आप बस दो ब्रांचेज जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है, वो ब्रांचेज आपकी जो फ्लोटिंग ब्रांचेज रहती है वो दोनों साइड पर हैंग हो करके इस तरह से बढ़वार चेक करते हैं लीडर को बेंड करके। ये भी सिस्टम अच्छा है लेकिन इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, तो फार्मर्स के लिए इतना आसान नहीं है तैयार करना। टॉल स्पिंडल और वर्टिकल एक्सिस वो दोनों अच्छे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग सेब की सघन बागवानी में हाई डेंसिटी प्लांटेशन में इंटरेस्ट ले रहे हैं या इसकी प्लांटेशन कर रहे हैं टॉल स्पिंडल लगाए तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी वेराइटी, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं अपने सेब की। हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग की बात कर रहे थे, तीन सिस्टम किस तरह से डेवलप करते हैं, तो इनिशियली सबके लिए एक तरह से ही हम जब पौधा लगाते हैं उसके बाद की किस तरह से तैयारियां करते हैं, किस तरह से ब्रांचेस छांटते हैं, ये आप देख सकते हो। तीन तरह की चीज़ें मैंने बताई थी, एक नोचिंग का है, एक पिंचिंग का है, एक बेंडिंग का है कंसेप्ट, और बीच में क्लॉथ पिंस का भी हम यूज़ करते हैं। ग्राउंड लेवल से 45 सेंटीमीटर तक हम कोई ब्रांच नहीं रखते हैं, सारी ब्रांचेज को निकाल देते हैं। जहां हमें डाउट होता है कि ब्रांच हमें यहां पे चाहिए लेकिन आ नहीं रही है वहां हम नोचिंग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं ये जैसे आँख है, आँख के ऊपर कट लगा देते हैं, छिलके के साथ साथ थोड़ा बूट को भी काट देते हैं ताकि वहाँ से वो ब्रांच आ जाए शॉर्ट। इस तरह से इसमें नोचिंग की थी पहले, ये आप देख सकते हैं यहाँ नोचिंग करने के बाद ये ब्रांच आई है, इसके ऊपर कट लगा हुआ था, तो इस तरह से नोचिंग के बाद ब्रांच आप जॉल डॉल करते हैं तो उसका एंगल आपका सही रहे। तो उसके लिए इनिशियली जब 8-10 सेंटीमीटर ब्रांच होती तो आप क्लॉथ पिंस का यूज़ करते, कपड़े सुखाने वाली चिमटियाँ, इसको इस तरह से लगा देते ताकि उस पर प्रेशर रहे और आपकी हॉरिजॉन्टल और वाइड क्रोच एंगल बन पाए। और जब ब्रांचेस 20 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है तो बरसात के समय में आप जुलाई अगस्त में उनको हम धागों की सहायता से मेन तने के साथ लीडर के साथ बांध करके हॉरिजॉन्टल या बिलो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ला सकते हैं कि कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम आपको डेवलप करना है, वर्टिकल एक्सिस में बिलो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एक्सिस में अप टू हॉरिजॉन्टल और टॉल स्पिंडल में बिलो हॉरिजॉन्टल।
उस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी जब ये ब्रांचेस इस तरह से रहती है तो इनसे, जैसे मैंने पहले भी कहा है, अपराइट ब्रांचेस निकलती है, उनकी हम जब भी वो आपकी 8-10 सेंटीमीटर इतनी होती है तो पिंचिंग कर देते हैं ताकि उनकी ग्रोथ चेक हो जाए और उस पर स्पर डेवलपमेंट शुरू हो। अब मैं तीनों कंपोनेंट के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ हम पिछले 4 साल से जो भी ट्रायल्स लगा रहे हैं तीनों चीज़ों को लेकर के हमने ये पाया है कि अगर इस लोअर एल्टीट्यूड पे मिड हिल कंडीशंस में एप्पल हाई डेंसिटी प्लांटेशंस में हमें लगाना है तो जेरोमाइन M9 रूट स्टॉक पे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, वरना वैरायटी जैसे आपने देखी है बुरी कोई भी नहीं है, सब में अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, पर सबसे बढ़िया ये है। स्पेसिंग को लेकर बात करें तो उसी वैरायटी को अगर हम 2.5x1 या 1.5 मीटर रो टू रो स्पेसिंग 2.5 मीटर और विद इन रो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 1 से 1.5 मीटर की अगर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। और ट्रेनिंग सिस्टम्स में टॉल स्पेंडर सिस्टम, इसके रिजल्ट हमारे पास अभी तक सबसे बढ़िया आ रहे हैं।